नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अजमेर में हजरत ख्वाजा दरगाह प्रबंध कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी और मुस्लिम धर्मगुरु सैयद बाबर अशरफी अल जिलाली बीते सोमवार को संबल में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरु सैयद बाबा अशरफी अल जिलानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना अरशद मदनी के विवादित बयान के मामले में बड़ा बयान कर मौलाना अरशद मदनी के बयान को सियासी बयान बताया और कहा मौलाना अरशद मदनी का बयान पूरी तरह सियासी है। तो खुद उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में कौन उनके लिए बेहतर है, इस बुनियाद के ऊपर उन्हें फैसले करने को पहला। दूसरा, उनमें अब आपसी इतिहाद इस बुनियाद के ऊपर जरूरत है, और ख़ास करके जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो उलमा में से हो, मशायख में से हो, इंडस्ट्रीज में से हो, टीचर्स में से हो, या जिस भी फैकल्टी से हो, उन सबको अब नई नस्ल की तालीम की तरफ खुद तवज्जो देनी होगी, और नई जनरेशन को किस तरीके से बेहतर तालीम और हुनर के ज़रिए उनको मौजूदा तकाजे के मुताबिक तैयार किया जा सके, इस पर मुझे लगता है तवज्जो दी जानी है। अगर कौम इसके ऊपर तवज्जो देगी तो ये मसाइल जो इस वक्त सियासी मसाइल हों, समाजी मसाइल हों, इक्तिसादी मसाइल हों, ये सारे मसाइल जो है वो वक्त के साथ अपने आप हल हो जाएंगे। संबल में ब्राह्मण समाज का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम से मिला। इस दौरान एएसडीएम और मौजूद रहे और डीएम ने भू माफियाओं से पीड़ित पक्ष के प्रति संवेदना व्यक्त की और आश्वासन दिया कि पीड़ित को किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगी और ना ही उन्हें जान माल की कोई हानि होगी। बता दें कि ब्राह्मण शक्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने की बात कही, जिसे जिला अधिकारी महोदय ने अपनी स्वीकृति दी और उप जिला अधिकारी चंदौसी को पीड़ित परिवार की सहायता करने के लिए कहा। एसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि जो पीड़ित के साथ में जो कुछ हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है, और इसके लिए शासन और प्रशासन से भी हमारी लगातार लड़ाई चालू है। आज हमने डीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने हमें बुलाया था और हमें उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी संभव हमारे द्वारा मदद होगी, हम वो पूरी करने के लिए तैयार हैं। एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब ने कहा सुरक्षा की पूरी गारंटी हमारी है, इस परिवार को कोई भी नहीं छू सकता और किसी भी तरह की कोई भी घटना यहाँ पर नहीं होगी। क्या कहेंगे? इस परिवार के साथ हमारा ही संगठन क्या, पूरा समाज का, पूरे ब्राह्मण समाज का संगठन और जो अदर लोग हैं वो भी सब लगे हुए हैं, और आज सारे प्रतिनिधि मंडल गया था, उन्होंने ही बुलाया था, अधिकारियों ने, ये हम खुद नहीं गए, अधिकारियों ने बुलाया था और अधिकारियों ने बुला के आश्वासन दिया है कि हम इस परिवार की पूरी मदद करेंगे, सुरक्षा देंगे और जो आवास है उसके भी, जो जिस तरीके से सरकार में आवास दिए जाते हैं वो भी हम प्रक्रिया वो करके और उनका आवास बनाएंगे। आज आप डीएम साहब से मिले हैं, क्या मामला है, क्या हुआ? आज हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है सभी ब्राह्मण संगठनों का, उसमें जो है डीएम साहब ने हमें वार्ता के लिए बुलाया था, और जहाँ हम लोग सब पहुँचे पीड़ित परिवार के साथ डीएम साहब के यहाँ, तो हमने बताया था डीएम साहब को कि यहाँ पर जो अवमान्य तरीके से जो घटना हुई है और ये जो उनका मकान ध्वस्त जर्जर बताकर ध्वस्त किया गया है, उसे डीएम साहब ने बताया कि हमारी संज्ञान में अब आया तो पूरा प्रकरण, और डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हमारी है, और हमने डीएम साहब से, माननीय डीएम साहब से बोला कि आप जो है इन्हें अपना दल एस के बागी नेता हेमंत चौधरी ने सिद्धार्थनगर जिले से नई पार्टी के गठन का ऐलान किया है और अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी का गठन करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने इस मौके पर आए अपने सैकड़ों समर्थकों को संबोधित भी किया। हेमंत चौधरी ने नई पार्टी के गठन के बाद अपना दल एस के करीब सारे ही पदाधिकारियों ने इस्तीफा देकर इनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसमें ज्यादातर लोगों को राष्ट्रीय और जनपद स्तर जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज जो पार्टी का गठन हुआ है उसका नाम राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी है। लंबे अरसे से हम लोग पूरे प्रदेश में बैठक, खासकर अपना दल से इस्तीफा देने के बाद हर जिले में जो है हम लोग बैठक किए, बैठक करने के बाद रणनीति बनी, पार्टी का गठन हुआ और आज उसकी घोषणा हम लोग बुद्ध की धरती से
यहाँ से किया जो है जिस... आप अपना दल इसके फाउंडर मेंबर्स में से थे, काफ़ी एक्टिव थे आप, अच्छा पद भी आपका था, ऐसी क्या वजह पड़ गई कि आपको नई पार्टी का गठन करना पड़ा और आपको बगावत करनी पड़ी? देखिए, हर जगह युवा ठगा जाता है और वही हाल अपना दल में भी रहा। युवा वहाँ पर जाता है, अपनी जो एनर्जी खबर संबल से है, जहां नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 81 सेंटरों पर 51,163 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही कहा है कि परीक्षा को नकल विहीन कराया जाएगा, परीक्षा में अराजक तत्वों पर खास निगरानी रखी जाएगी। 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 51,163 बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मिलाकर के परीक्षा इस बार देने जा रहे हैं। इस पूरे ज़िले को 16 सेक्टरों में बांट करके परीक्षा को नकल विहीन सुचितापूर्ण कराने की व्यवस्था की गई है। पूरी फोर्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हर केंद्र पर एक केंद्र व्यवस्थापक, एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पूरे ज़िले को जनपद में एक कंट्रोल रूम बना करके हर एक परीक्षा कक्ष को हम लोग यहाँ से लाइव देख रहे हैं। 24 घंटे कंट्रोल रूम यहाँ पर सजग है और उसमें ड्यूटी लगी हुई है। सब लोग LED TV के माध्यम संबल में बिजली विभाग के गालीबाज जेई का कारनामा सामने आया है, जिसमें जेई किसान को फोन पर जमकर गालियां भी दी। किसान ने खेत में पानी लगाने को 3 दिन से बंद लाइन को चालू करने को कहा था, जिसके बाद गाली गलौज से गुस्साए किसानों ने बिजली घर में ताला लगाकर नारेबाजी की। वहीं जेई के खिलाफ कार्रवाई से पहले बिजली घर का ताला न खोलने का ऐलान किया गया है। पूरी घटना नखासा थाना क्षेत्र के सलखना का है। फोन क्या बजे कर आइए? अरे सर जी, 2 दिन से दिक्कत है, मैंने देखी पूरे गांव। तुम नहीं सोगे, किसी को सोने नहीं दोगे? हमारी 24 घंटे की चौकीदारी करेंगे। तो सर कल तार तो जुड़वा देते आप जब वो आए थे। अबे क्या टाइम है फोन करने का? सर 6:50 से फोन कर दिया, 7:30 बजे। तो सर हम तो परेशानी बता रहे हैं कि लाइन खराब है खेत वाली, तो ये सभी किसान जो है जय साहब को फोन कर रहे हैं, लैंडमैन को भी, कि हमारे जो है लाइन चालू करवा दी जाए। हमारी जो मैंथे की फसल है उसमें पानी लगना है। तो सुबह मैंने जय साहब को कॉल करी तकरीबन 7 बजे, तो जय साहब ने छुट्टे मुझे माँ बहन की लड़की की गाली देनी शुरू कर दी, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, इसलिए मैंने यहाँ ताला लगा दिया। सुबह से कोई कार्रवाई नहीं की। जो उन्होंने गाली दी, अभद्र व्यवहार करा, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने सभी अधिकारियों को भेज भी दी और मैं ये चाहता हूँ जब तक कार्रवाई नहीं होगी जय साहब के खिलाफ, तब तक ये ताला मैं खोल कर नहीं जाऊंगा। चाबी मेरे पास। जनपद संबल के चंदौसी में अखिल भारतीय व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अनुज वैष्णे उर्फ अन्नू की अध्यक्षता में वैलेंटाइन डे पर काली पट्टी बांध कर विरोध किया गया और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा प्रांगण तले पुलवामा के 40 शहीदों को नमन किया गया। इसके साथ ही शांति एवं सुरक्षा की दृष्टिगत कोतवाली प्रभारी सतेंद्र सिंह पवार, क्राइम इंस्पेक्टर CP सिंह के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। भाई यार, सरकार से अपने मांग भी गई है। आज का दिन काला दिवस के रूप में घोषित किया जाए, सारी ताकतों को घोषित किया जाए। कल जवान भाई जो शहीद हुए थे, देश को वैलेंटाइन डे मना है। आज
संबल में कोतवाल प्रभारी ने निर्देश देते हुए कहा कि कावड़ यात्रा मार्ग पर ठेले या दुकान न लगाई जाए। बता दें कि जिला प्रशासन कावड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कावड़ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ हर संभव प्रयास करते दिख रहे हैं, जिसके चलते कोतवाली प्रभारी सड़क किनारे लगे ठेले व पटरी दुकानों को हटवाते नजर आए। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में कई जगहों पर वाहन चोरी की घटना से आम लोग परेशान हैं, जिसको लेकर आम लोगों में भी आक्रोश है। तो वहीं पुलिस को एक वाहन चोर को पकड़ने में कामयाबी मिली है। पुलिस उपाध्यक्ष ने पूरी घटना का खुलासा किया है, साथ ही मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 12:30 बजे के आसपास रामकोला थाना क्षेत्र में एक अंतर्राज्यीय सातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी के 2 ट्रैक्टर, 2 रोटावेटर और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके साथ ही साथ चोरी के अन्य सामान भी इसके पास से बरामद किया गया है। पूर्व में भी इसके विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत थे, जिसको गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किस तरह जो है घटना को अंजाम देते थे? देखिए, पूछताछ में इसने बताया है कि ये दिन में ही चोरी कर लिया करता था। ये बिहार प्रांत में भी इसने कई थाना क्षेत्रों में चोरी की हुई है और जो भी लोग इसके साथ हैं उनकी भी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। हरदोई में बिलग्राम इलाके में वैलेंटाइन डे पर एक आशिक ने अनोखे कारनामे को अंजाम दे दिया। यहां शादीशुदा प्रेमिका से मिलने की चाहत लिए हुए वैलेंटाइन डे वाले दिन हाथ में चाकू लेकर उसके घर पर पहुंच गया और वहीं पर जहर खा लिया। पुलिस ने उसे CHC में भर्ती कराया है। पूरा मामला कोतवाली शहर के तत्योरा गाँव का है। जिलाधिकारी बघौली विकास जायसवाल ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। बघौली शहर के ततेरा गांव का रहने वाला व्यक्ति बिलग्राम में किसी से मिलने गया है। इस दौरान उसने कुछ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने तत्काल उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा है। प्रथम दृष्टया जानकारी पर पाया गया है कि इस प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला है, इसमें अलग से विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र में मधुबन बापू धाम इलाके में एक कार में गलत तरीके से खिड़कियों से लटकते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि गाड़ी की साइड वाले दरवाजे पर बैठकर युवक हुड़दंग काट रहे हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। ये सोशल मीडिया पे आज एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें ये देखा गया कि एक युवक एक गाड़ी पर लटक कर चल रहा था तथा गलत तरीके से ड्राइविंग की जा रही थी। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल ही जांच की गई तो ये पाया गया कि ये वीडियो थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम का था। उक्त गाड़ी को तत्काल ही पकड़ लिया गया तथा दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के आधार पर अग्रिम निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गाजियाबाद के थाना मोदी नगर इलाके में बीती 10 जनवरी को पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया और पुलिस ने घटना का अनावरण करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें, चोरों ने सेंध लगाकर घर में रखी हुई नकदी और आभूषण के अलावा लाइसेंसी पिस्टल पर भी हाथ साफ कर दिया। वहीं अब इस मामले में पुलिस चोरों पर गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ संपत्ति कुर्क करने की बात कह रही है। गाजियाबाद में बुजुर्ग आग की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई थी। थाना लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी चौकी के अंतर्गत एक कॉलर ने बताया कि उसके घर में आग लगी हुई है और उसके बुजुर्ग पिता उसमें पहली मंजिल पर फंसे हुए हैं। उसकी इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड भी पहुंची। आग पे काबू पा लिया गया है। जब उस कमरे में प्रवेश किया गया तो वहां भयंकर रूप से आग लगने के कारण लगभग सारे सामान जल के खाक हो चुके थे और एक
जली हुई, गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में व्यक्ति भी पड़े हुए मिले, जिनको कि तुरंत दिल्ली से सटे फरीदाबाद में वैलेंटाइन डे की आड़ में 5 नंबर इलाके में पार्क में बैठे पति पत्नी की कथित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी, जिसके बाद पार्क में मौजूद दूसरे लोग इस झगड़े को देखकर पार्क में इकट्ठा हो गए और अपने आप को बजरंग दल के कार्यकर्ता बता रहे कथित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद बजरंग दल के कथित कार्यकर्ता अपनी जान बचाकर भागते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ था, उससे संज्ञान में आया है कि NIT एरिया में किसी पार्क में कोई मियां बीवी बैठे थे और उनके साथ कुछ जो लड़के थे उन्होंने मारपीट की है कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो। पता लगा है कि वो आप लोगों के माध्यम से कि वो मियां बीवी थे। पार्क में बैठना बुरी बात नहीं है, स्वतंत्र लोग हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, और इसमें अगर कोई किसी तरह की कोई अश्लील हरकत नहीं कर रहा है जो समाज में देखने में बुरा लगता हो, इस तरह की कोई हरकत नहीं हो रही है, तो किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी के साथ हस्तक्षेप करे, कोई मारपीट करे। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा श्री आदित्य लांगे महोदय के नेतृत्व निर्देशन में जनपद अमरोहा में शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा श्री राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में आज थाना अध्यक्ष रजबपुर श्री रमेश शहरावत अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त में मामूर थे कि जब यह गांव चक्र उस्तमपुर में सुबह करीब 2:45 रात्रि चेकिंग करते हुए पहुंचे, तो इनके द्वारा सामने से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को चेकिंग के उद्देश्य से रोकने का इशारा किया गया, तो उस व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।